ग्राम में जो कि जयपुर में स्थित है अजीतगढ़ रोड पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप मेरे पीछे बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं ये 700 साल पुराना पेड़ है जो कि एक संत ने लगाया था। आइए हम इसकी भव्यता को देखते हैं। दुकानें लगी हुई हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि कितने सालों से यहाँ पर इन्होंने दुकान लगाई थी। यहाँ पे 10 सालों से यहाँ पर ये सारी आप जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। और यहाँ पर दुकानों के साथ साथ में जैसे कि आप देख रहे हैं कचौरियाँ सारा चाय वाय सब कुछ यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर बस स्टैंड भी है और देखिए यहाँ पर कितने सारे बस हैं जो कि आराम कर रहे हैं। इसी से भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस पेड़ में कितने ही सारे पशु पक्षी जो कि अपना घोंसला बनाए हैं। और यहाँ पर बस घट्टा भी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पेड़ है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा पेड़ और कहीं होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक मंदिर में लेके जा रही हूँ। देखिए शिवलिंग बना हुआ है। GPS सिग्नल लॉस्ट। सुंदर सा ये मंदिर बना हुआ है। माता रानी का मंदिर है ये। और यहाँ पर बहुत सारे जैसे कि आप देख सकते हैं विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं घूमने आते हैं। आप देख रहे हैं ये पेड़ों का एक जाल सा बना हुआ है। इतना सुंदर बरगद के पेड़ शायद ही अब आजकल देखने को मिलते हैं। ये लुप्त होते हुए वृक्ष हैं, इनको बचाना हमारा दायित्व है। पता नहीं किस हिसाब से कहां से ये आ गए हमारे नज़रों के सामने और हम रह नहीं पाए इसको आपको दिखाने के लिए। तो ये पेड़ों का जंजाल आप देखिए, ये तकरीबन 3 बीघे में लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हमने जो पूछा है उनसे उन्होंने ये कहा है कि ये 3 बीघे में है। आप देखिए एक एक पेड़ कितना सुंदर है। संजय आप दिखाएंगे पेड़ों को कितने सुंदर जाल रूपी ये इतने अच्छे सुंदर पेड़ हैं। इनकी छाया कितनी शीतलता प्रदान करती होगी लोगों को। सो पुत्र पाल लो और एक पेड़ लगा लो। हाँ। वो बिल्कुल बराबर ही होता है। और हमें ये जो हमें आपने दिखाया है कोई वीडियो ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिखाया है। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि आप भी पेड़ लगाएं और अपने जैसे कि जो ग्रामीण इलाका है उसमें जैसे चारों तरफ इस तरीके से पेड़ लगाएं ताकि आराम से पशु बैठें हम लोग भी बैठें। आते जाते अच्छा जैसे हम कहीं जा रहे थे कहीं के लिए निकले थे और हमें ये दिखा हमें आराम करने की आवश्यकता महसूस हुई और इस ठंडे पेड़ों की छाँव में हम बैठे विश्राम कर रहे हैं। और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि पेड़ कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इतने सालों पुराना ये पेड़ है। अभिलाषा ने आपको बताया कि 100 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। 100 साल का पुराना पेड़ ये बरगद का पेड़ आप देखिए कितना पुराना है। आगे हम आपको और भी कुछ दिखाना चाहते हैं, प्लीज़ आप देखें। यहाँ शायद ये कोई धुना लगा हुआ है, कोई संत महात्मा यहाँ पर बैठ कर एक त्रिशूल भी है यहाँ पे।